हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे एक्सएम ब्रोकर में डिपॉजिट किया जाता है, तो उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ फ्री के अलर्ट वगैरह मैं देता रहता हूँ, तो उसको सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लो। तो इस वीडियो में बने रहना, डिपॉजिट के बारे में हम बताएँ। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आईडी बना लीजिए, डेमो अकाउंट ओपन करके आप प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए हम बताते हैं कि डिपॉजिट कैसे करना है। तो यहाँ पर आप आ जाना, आपको क्या करना है, एक्सएम ब्रोकर लॉगिन कर लेना। होम पेज पे आ जाओगे तो आपको करना क्या, सिंपल सा थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ नीचे थोड़ा ऑप्शन आ जाएगा, कई ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे चार नंबर पे देखो दिख रहा है आपको डिपॉजिट, तो डिपॉजिट पे आपको क्लिक कर देना है। डिपॉजिट करने के बाद इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नेम, आपका एक्सएम आईडी जो है वो भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे नीचे आप जाओगे, यहाँ नेटलर है, स्क्रिल है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो उससे भी डिपॉजिट कर सकते हो। इसके बाद वेब मनी, एस्ट्रो, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र दिया हुआ है, बिटकॉइन का भी मेथड है, तो काफ़ी चेक कर लो तो उससे कर सकते हो। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड से डिपॉजिट, तो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड पर मैं डिपॉजिट पर क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद क्या, नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको जितना डिपॉजिट करना है फंड, वो फंड यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। वहाँ इसमें लिख देना है, जैसे कि मुझे 200 करना है तो मैं $200 ऐड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, डिपॉजिट पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड इस तरह आ गया, यहाँ पे आपका एक्सएम अकाउंट आईडी दिखा रहा है और एक्सएम डिपॉजिट। यहाँ पे जैसे एक ईमेल आईडी, इसके अंदर से 8 आईडी बना सकते हो इसके अंदर, तो ये आपका आईडी नंबर बताएगा। जैसे कि मेरे में एक ही आईडी भी है तो एक आईडी दिखा रहा है, इसलिए आप चेक कर सकते हो मैं कौन सी आईडी में अपने डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अब फ्रेंड आपको करना क्या है, कन्फर्म पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ओपन आ जाता है, इंटर पेमेंट डिटेल, तो इंटर पेमेंट डिटेल में आपका कार्ड, जो भी वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो उसका कार्ड नंबर डाल देना, और सेकेंड नंबर पर एक्सपायरी डेट जो होती है कार्ड पर वो डाल देना, होल्डर नेम यानी जो आपका कार्ड पे नाम लिखा है वो नाम डालना। और आपको ध्यान देना, जिस नेम से आईडी बना उसी नेम का कार्ड होना चाहिए, तभी आप डिपॉजिट या उसी पे लास्ट डिपॉजिट जिससे करते हो उसी पे विड्रॉल भी होता है, ये चीज़ें ध्यान देना है। ऐसा जैसे आपने कार्ड अभी वीज़ा कार्ड ऐड कर दिया, तो जो विड्रॉल लोगे वो वीज़ा कार्ड पर ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो डिपॉजिट आप पैसा कर रहे हो या लास्ट टाइम बिटकॉइन से करते हो, तो बिटकॉइन पे विड्रॉल होगा। अगर आपने जिस भी मेथड स्किल से किया तो स्किल पे विड्रॉल होगा, तो ये कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब नीचे उसके आ गया CVV2 कोड, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके कार्ड के पीछे होता है 3 अंक का कोड, तो वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद यहाँ पे सिंपल सा पे आपको क्लिक, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे OTP आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP एक चला जाता है। वो OTP डाल के आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप OTP डाल के मेक उस पे करने के बाद तुरंत आपका 1 मिनट के अंदर में सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके ईमेल पे भी मैसेज आएगा, आपके वैलेट में भी देखो बैलेंस यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर मेरे अकाउंट बैलेंस में $200 दिखाने लगा। अब ये आईडी अपने MT4 में लॉगिन की है तो वहाँ पे भी ये आईडी शो करने लगी। चलिए मैं अपने MT4 में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो मेरे में बैलेंस आ गया और मेरी रियल आईडी है, आप देख सकते हो एक्सएम की। अब यहाँ पर जो मेरे में डिपॉजिट हो गया, अब इसमें क्या है, बोनस भी मिल गया है मुझे 15%, यानी 15%, लेकिन जो ये बोनस इसमें मिलता है ये ट्रेडबल बैलेंस होता है, यानी आपके नेगेटिव में अगर बैलेंस माइनस में जाता है तो बोनस भी उस टाइम पे काम करता है, यानी जब तक माइनस में पूरी तरह जाता नहीं तब तक आपका बोनस भी साथ देता है। ये नहीं कि आपका जितना फंड है वो फंड के बराबर गया तो ही काम करेगा। तो इस तरह आप डिपॉजिट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।